मेरी आज की कहानी का नाम है धरती फट रही है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज़ आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस तरह भागते देख एक गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागते देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए, झुंड में आगे खड़ा हुआ बंदर बोला। किसने कहा ये सब, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था और उसे करते करते पता चला कि यह बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उसी जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है, ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलते हुए ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हजूर मैं यहीं सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई, मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, यह गधा महामूर्ख है, दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और यह गधा ना जाने कैसे उसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों यह तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है। जाइए अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी की बात पर यकीन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगा लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।